बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया नाज और आप देख रहे हैं मोरक टीवी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मोरक टीवी का मकसद है कि अपनी ग्रास रूट लेवल कम्युनिटी को उनको अपलिफ्ट करना, उनके प्रॉब्लम्स, उनके मसले, उनके मसाइल एक आम आवाम और अल्लाह हकाम के आगे लेके आना, एज़ वेल एज़ हम लोग अपनी ट्रांस कम्युनिटी की स्किल्स को, उनके आर्ट को, उनके टैलेंट को सामने लेके आते हैं ताकि उन्हें उनके सोर्स ऑफ इनकम डेवलप हो सके। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने आज और ऐसी आर्टिस्ट हमने ट्रांसजेंडर जो हैं इन्वाइट की हैं, जो कि आपको आज डिफरेंट किस्म के हम सेगमेंट करेंगे, उसमें डिफरेंट किस्म के गेम्स शो होंगे और आप इंजॉय भी करेंगे, फिर हम उनको प्राइज़ भी देंगे, उनको इनामात भी देंगे ताकि उनकी मॉरल सपोर्ट भी हो और उनकी ज़रूरत और उनकी नीड भी पूरी हो। इसके लिए मैं बताना चाहूँगी सबसे पहले कि इसमें हमें स्पॉन्सर किया है फरहान विलायत ने, और फरहान विलायत जो हैं आप सबकी भरपूर तालियों में हम इनको वेलकम कहते हैं। वाहद पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने 2019 में गुसी पीस अवार्ड पूरी दुनिया में से वो हमारे मुल्क के इस लड़के को मिला। ये अवार्ड जीतना एक बहुत बड़ी, मैं समझती हूँ हम सबके लिए एजाज़ की बात है, हमारे मुल्क के लिए ये फ़ख्र है, एक एजाज़ है। और माशाल्लाह आज इन्होंने ख्वाजा सराओं की हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए हमारे साथ कांटेक्ट किया और आज हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा है। हम दिल की अथाह गहराइयों से इनको एक बार फिर वेलकम करते हैं। इसके अलावा भी इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और मैं चाहूँगी वो थोड़ा सा फरहान विलायत खुद इसको ब्रीफ कर दें। काफ़ी ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो आपने ऑलरेडी करवा दिया। अपने प्रोजेक्ट्स के हवाले से मैं थोड़ा सा डिटेल सबके साथ शेयर कर लेता हूँ कि एक्चुअली हमारा जो ज़्यादा प्रोजेक्ट्स वगैरह हमारा सिलसिला चल रहा है, हमारा सूबा सिंध में चल रहा है, क्योंकि अंदरून सिंध के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो पंजाब के मुकाबले में बहुत ज़्यादा लेस डेवलप्ड हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे मार्जिनलाइज्ड और लेस फॉर्चुनेट कम्युनिटीज़ वहाँ पर रिहाइश पज़ीर हैं। इवन के दो घूंट पानी के लिए भी लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। तो इस तरह के सहराई और रेगिस्तानी इलाकों में हम लोग कुएँ लगाते हैं, हैंडपम्प्स वगैरह लगाते हैं, क्योंकि इस चीज़ की अनअवेलेबिलिटी की वजह से जहाँ लोगों को यानी बिल्कुल ज़िंदगी की बुनियादी एक सहूलत से मैसर नहीं होती, वहाँ पर और बहुत सारे मसाइल होते हैं। लोगों को सेहत के मसाइल होते हैं गंदा पानी पीने की वजह से, ख़वातीन जो रोज़ाना 4-4 मील पैदल चल के जाती हैं, पानी लेकर आती हैं, लेने जाती हैं, उनकी अपनी सोशल लाइफ जो घरेलू लाइफ होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इवन के बच्चे जो पानी भरने जाते हैं दूर दराज जोड़ों में, उनकी एजुकेशनल लाइफ ख़राब हो जाती है। तो एक हमें इस चीज़ में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट नज़र आए कि इस एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके हम काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर सकेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल पहले हमने ये सिलसिला स्टार्ट किया था, अल्लाह ताला ने असबाब बनाए हमारे लिए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने लगभग 300 के करीब हमने कुएँ और हैंडपम्प लगा लिए हैं वहाँ पर थरपार कर। आज तो कुछ करके दिखाना पड़ेगा, हम थोड़ा सा एंटरटेनिंग करेंगे, हम थोड़ा सा इंजॉयमेंट करेंगे, कुछ हंसेंगे, कुछ खेलेंगे, जो जिसको जो जिसमें टैलेंट है। हमारे प्रोग्राम का मकसद ये है कि आपको आप लोगों का जो टैलेंट है वो हम पब्लिक के सामने लेके आए। देखो आप किसी चीज़ में क्लिक कर जाते हो, कितने अच्छे डांसर्स हैं हमारे में, कितने अच्छे ब्यूटिशियंस हैं, लेकिन पब्लिक को पता है नहीं पता, क्योंकि आप लोग छुपे हुए हो। हमारे प्रोग्राम का मकसद है एक को आप लोगों की हेल्प हो, सपोर्ट हो, सेकेंड आप लोगों का जो टैलेंट है उभर के बाहर आए और आम आवाम तक आ सके, ताकि आप लोग जो है आप लोग आगे निकल सको। मेरा पर्सनली फोकस ये है कि ये जो एक स्टैंप लग गई है ना कि यार ये तो सिर्फ मांग ही सकते हैं, तो इनको क्या आता है, हमने ये जो स्टिग्माटाइज हम हुए इसको ख़त्म कर लिया। मेरा विजन ये है, मेरा विजन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग मेरी इस बात को फेवर देंगे और आप लोग मेरा साथ भी देंगे। हम बात कर रहे थे सिंगिंग की, हमारे 3 कॉन्टेस्टेंट हैं, ये जज्जी जी और गोगी जी और मैडम डिस्को जी। अब हम बारी बारी आपसे एक एक दो दो अंतरे सुनेंगे, पूरा पूरा गाना नहीं सुनाना, एक एक, हाँ, फिर उसके बाद हमारे जजेस ये फैसला करेंगे कि आप में से तीनों में से विनर कौन है। सब जगिया के
ते पुत्र होन जिगर दे टोटे जिस वेले विच बाल न खेडे हुंदे भाग्यो ना दे खोटे ओ पुत्र होंदे यारो कंड दी भरती ते पावे वड्डे होवणे जा छोटे पुत्र ते होंदे यारो कंड दी भरती ते पावे वड्डे होवणे जा छोटे। ए पुत्र हटाते नहीं विकदे ए पुत्र हटाते नहीं विकदे तू लभदी विच बाजार कुड़े पुत्र हटाते नहीं विकदे तू लभदी विच बाजार कुड़े देनिया मेरे दाता दी ए देनिया मेरे दाता दी नावे टकरा मार कुड़े पुत्र हटाते नहीं बिकदे। मैं ये समझाता कि तू है तो दरशाह हया तेरा गम है तो गमे देहर का झगड़ा क्या है तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबा तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है तू जो मिल जाए तो तकदीर निगु हो जाए यू न था मैंने फकत चाह था यू हो जाए हम से पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा बेदिल वर दिल धारा बेदे गया झूठा लारा बेकदरा वे दिन लंघ गया सारा बेकदरा है वे दिल वर दिल धारा बेदे गया झूठा लारा बेकदरा वे दिन लंघ गया सारा बेकदरा है वे दिल भर दिल धारा। सारे टैलेंट ऐसे हैं कि बहुत ही मुश्किल और कठिन घड़ी है जजेस के लिए कि किसी एक को मुनसिफ और किसी एक को विनर करार देना, लेकिन जाहिर है कुछ टैलेंट को भी करना है तो हम गोगी जी जो है ना हम चाह रहे हैं कि जी गोगी जी को जो है ना वेरी नाइस वेरी नाइस बहुत हर एक जरा हमको अपनी जान से प्यारा तेरे दम से शान हमारी तुझसे नाम हमारा जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आजा
हम देखे बात जे सोनी धरती अल्लाह रखे। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो मोरक टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली एपिसोड फौरी मिल सके। मोरक शो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपको हमारे सिंगर ट्रांसजेंडर्स का टैलेंट पसंद आया तो उनकी सपोर्ट और प्रमोशन के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपनी मेज़बान सोनिया नाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास